हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। जय हिंद साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राकेश टिकैत साहब, जो सीधा दलित स्थल पर पहुंचे हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे जगह जगह धरने स्थल पर जानना, ये सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद है भाई आप सबों का, आए हैं ये धरने चल रहे हैं, सभी का इशू एक है, मुद्दे एक हैं, सब लोग एक ही हैं, एक ही विचारधारा से सब लोग आए हैं। और इनका है कि आंदोलन लंबा चलेगा तो उसकी तैयारी सब लोग कर। सर 26 जनवरी पे आप बोल रहे हैं कि 10,000 लेडीज महिलाएं ट्रैक्टर लेकर आएंगी और सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि महिलाओं और बच्चों को तो काम ही नहीं है, आप उनको क्यों नहीं रोक रहे? नहीं नहीं, ये नहीं, महिलाएं राजस्थान हरियाणा से बहुत ज़्यादा आएंगी ट्रैक्टरों पर और ट्रैक्टर बहुत बड़ी संख्या में आएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि धरने पे रात में उसमें ठंड ज़्यादा है, महिलाएं बच्चे ना रहे बुजुर्ग, तो हमने भेज दिए। नहीं, अभी भी बहुत बहुत बुजुर्ग हैं जो डटे हुए लगे हुए हैं और तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, कल मैंने गाजीपुर बॉर्डर पे ही देखा, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके घर भेजिए कि ताकि उनकी जान बच सके और ठंड से बच सके। नहीं नहीं, हम तो उनको छोड़ कर आए, वे गाड़ी करके फिर आ जाते हैं, 2 दिन बाद में यहीं मिले हैं मुझे। अच्छा, कल बातचीत फिर होनी है, 11वें दौर की बातचीत होगी, लगातार बातचीत हो रही है, इससे सब आम लोगों का ही बहुत नुकसान है। बातचीत से आप खुश हैं या सरकार खुश है? नहीं नहीं, अगर बातचीत हो रही है तो ठीक चीज़ है कि बातचीत का हम क्रम नहीं तोड़ना चाहते, क्योंकि समाधान बात से ही निकलेगा और हम उस बात पर तैयार हैं, तो जितनी बात भी बात करेंगे हम करेंगे। तो आप लगातार बात करे जाएंगे? हाँ करेंगे। अच्छा, आपने बच्चों को कोई भेजने की कोशिश की, महिलाओं को भेजने की घर तक? हाँ नहीं, भेज दिया हमने तो, बहुत भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट का तो सब सम्मान करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का अगर आप सम्मान करते हैं तो कमेटी गठित करें, उसको क्यों नहीं मान रहे आप? नहीं नहीं, तो वहाँ कमेटी में नहीं, हमको जाना कमेटी में कौन लोग हैं, उन लोगों की विचारधारा क्या है, नहीं जा रहे कमेटी में। हमारा जो ये फैसला होगा ये सरकार और किसान ही इसको कर रहे हैं, क्योंकि कानून पार्लियामेंट में बने तो पार्लियामेंट से कानून खत्म होगा। कोई लास्ट संदेश अगर आप सरकार को देना चाहें? सरकार ये है कि भाई बात मान जाओ, जितना जल्दी मान जाएगा तो सरकार को आराम होगा, तो नहीं वे भी अपना काम करें, किसान भी अपना काम करें। आप लोगों को इस आंदोलन में सिर्फ किसानों का नहीं, हर तबके के लोगों का साथ मिल रहा, हर तबके के लोग आपके साथ डटे हुए जमे हुए, इस पर आप आम लोगों को कोई संदेश देना चाहें? आम लोग ये है कि अपना काम भी करो और आंदोलन पर भी निगाह रखो, यहाँ पे भी आते जाते रहो और अपने घर का काम भी करो। और यही किसानों से अपील है कि घर का काम छोड़ के मत आना, अपना काम करते रहो, 5 दिन यहाँ पे दे दिए, 10 दिन अपने घर पर दो, तो अपने घर का काम भी ना छोड़ दे और आंदोलन भी ना छोड़ दे। एक नज़र दिल्ली के आंदोलन पर और एक नज़र अपने खेत पर किसान रखें। तो ये थे राकेश टिकैत साहब, जो लगातार सरकार को घेरते नजर आए और इन्होंने अलग अलग अंदाज में सरकार को लेकर आम लोगों को भी संदेश दिया और बताया कि हम दिल्ली कूच करेंगे। कैमरा पर्सन कमाल के साथ मैं नोएडा से बिलाल राजपूत, धन्यवाद।